वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि जब आपके पर्सन ने आपको पहली बार देखा था तब क्या सोचा था। यानी कि जब पहली बार आपके पर्सन की नज़र आप पर पड़ी थी तो उनके मन में क्या विचार आया था। ओके, तो गाइस पहले हम थोड़ा सा एनर्जी क्लेंजिंग कर लेते हैं आज, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इंट्यूटिवली कि मुझे करना चाहिए। ओके, तो गिव मी सम सेकंड्स। ओके व्यूअर्स, सॉरी टू टेक सम टाइम, मैं सिर्फ एनर्जी क्लेंस अपनी भी कर रही थी। ओके, एंड आप लोगों के लिए भी कुछ वाइब्रेशंस भेज रही थी, जो चीज़ों की आवाज़ आपने सुनी है। आई वॉज जस्ट लेटिंग यू टू कंज्यूम द एनर्जी दैट आई वॉज सेंडिंग टू यू। ओके, तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं कि जब आपके पर्सन ने आपको पहली बार देखा तब क्या सोचा। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, देन सब्सक्राइब कर लीजिए व्यूअर्स, क्योंकि मैं इंट्यूटिव मैसेज लेकर आती रहती हूँ, चैनल मैसेज लाती हूँ और डिवाइन मैसेजेस लाती हूँ, तो आप उन्हें मिस ना कर सकें, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट होगी, चाहे ये वीडियो आपके पास एक साल बाद या दो साल बाद कभी भी पहुँचे। और गाइज ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी साइन हो या कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आप मैरिड हो, नो कांटेक्ट में हो, सिंगल हो, कमिटेड हो, डाइवोर्स्ड हो, ये हर सिचुएशन पर मैच करेगी, चाहे आप नो कांटेक्ट में क्यों ना हो। ओके, तो यहाँ हम चेक करेंगे पहले कि आपके पर्सन ने जब आपको पहली बार देखा तो क्या सोचा। ओके, तो शफल करना शुरू करते हैं। King of Pentacles,
Eight of wands. Okay. Tower. क्लेरिफाई करते हैं इन तीनों कार्ड्स को. लेट्स क्लेरिफाई थ्री ऑफ दीज कार्ड्स. पहले हम किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करेंगे. क्लेरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स. वेट अ मिनट गाइस. ओके लेट्स क्लेरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स. Okay, four of wands. Let's clarify eight of swords. Six of wands. Eight of wands clarified by eight or six of wands. Clarify करते हैं the tower को. The tower card यहाँ क्यों है? द टावर कार्ड यहाँ क्यों है? लेट्स सी. ओके डेविल. एनर्जी ऑफ डेक इज एट ऑफ पेंटिकल्स. यू कैन सी व्यूअर्स एट ऑफ पेंटिकल्स. ये मैं यहां रख देती हूँ. तो यहाँ पर व्यूअर्स देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने जब आपको पहली बार देखा तो उनका ऐसा मन किया जैसे आपसे शादी की जा सकती है. यानी कि जब उन्होंने आपको देखा तो उन्हें एक मैरिज मटेरियल टाइप का पर्सन दिखा. उन्हें ऐसा लगा आप कंप्लीटली मैरिज मटेरियल हैं, एक राइट पैकेज फॉर मैरिज हैं. उन्हें ऐसा लगा आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनसे शादी की जा सकती है, जिनके साथ घर बसाया जा सकता है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखा जा सकता है. ऐसा आपको माना. जब आपकी उनसे मुलाकात हुई या उन्होंने आपको पहली बार देखा तब उनका मन किया कि फटाफट आपसे बात कर लें. हो सकता है आप में से 60% लोग ऑनलाइन मिले थे, किसी सोशल मीडिया साइट पर मिले थे, तो उनका मन किया आपको देखते ही कि वो आपसे बातें करें, आपको जानने की कोशिश करें. आपके पीछे क्या स्टोरी है, आप किस टाइप के इंसान हैं, कैसा आप सोचते हैं, क्या आपकी थिंकिंग है, वो आपको जानना चाहते थे जब उन्होंने आपको देखा. जैसे ही उन्होंने आपको देखा उनकी प्रबल इच्छा थी कि वो आपसे बात करें, आपसे दूर ना रहें, जल्दी से जाकर आपसे बातें करें, आपसे जान पहचान बढ़ाएं. ओके यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आपने मतलब यानी कि आपके पर्सन ने जब आपको पहली बार देखा यानी कि आप उनकी लाइफ में आए. व्यूअर्स जब आप उनकी लाइफ में आए तो आपके पर्सन एक टावर मोमेंट से गुजर रहे थे. यानी आपके पर्सन का या तो किसी से ब्रेकअप हुआ था या किसी से झगड़ा हुआ था या उनकी लाइफ से कोई एक्सपायर हो गया था या कोई चला गया था, उनको छोड़ के चला गया था, या उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था, या हम कह सकते हैं कि वो किसी परीक्षा में फेल हो गए थे या उनका करियर खराब हो गया था. कुछ ड्रास्टिक चेंज उनकी लाइफ में आया था, कोई ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में आया था जिस वक्त उन्होंने आपको देखा था. यानी कि उनकी ज़िंदगी में जब आपकी एंट्री हुई थी तो वो एक फेज़ क्रॉस करके चुके थे. इसके बारे में आपको पता है या नहीं पता ये मैं नहीं जानती, लेकिन आपके पर्सन तब एक फेज क्रॉस करके चुके थे जब वो आपसे मिले, जब उन्होंने आपको देखा.
गाइस देखिए ये टावर का जो कार्ड है जिसको मैं कह रही हूँ कि आपके पर्सन एक फेज से गुजरे थे, ये टावर का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है डेविल के कार्ड से। इसका मतलब ये है कि वो जिस भी फेज से गुजरे थे, जिस भी समय से गुजरे थे, वो काफ़ी खतरनाक था। हो सकता है कि पहले आपके पर्सन काफ़ी प्रेशर में रहे हों, किसी ने उन्हें कंट्रोल किया हो, या उनकी लाइफ में कोई नेगेटिव रिलेशनशिप्स आए हों, या कोई कार्मिक रिलेशनशिप्स आए हों, जिन रिलेशनशिप्स ने आपके पर्सन को बहुत हर्ट किया, काफ़ी लेसन्स दिए, काफ़ी स्ट्रगल दिया, ऐसा उनकी लाइफ में कुछ आया था, उनकी लाइफ काफ़ी नेगेटिविटी से भर गई थी। हो सकता है कि आपके पर्सन अल्कोहल स्टार्ट करने की सोच रहे हों, या शुरू कर दिया हो पास्ट में, जब उनकी लाइफ में ये घटना घट रही थी, तो हो सकता है वो नशे की तरफ जाने लगे हों, या कोई और बुरी आदतें उनमें आ गई हों, जैसे कि सामान फेंकना, चीज़ें तोड़ना गुस्से में अपने ही हाथ पैर यहाँ वहाँ मारना और चोट लग जाना, ऐसी चीज़ें, गुस्से में ड्राइव करना और चोट लग जाना, ऐसी चीज़ें बता रही थी कि उनके लाइफ में नेगेटिविटी का पूरा इन्फ्लुएंस था, नेगेटिविटी उनकी लाइफ में आ गई थी और काफ़ी प्रेशर फील कर रहे थे, काफ़ी कंट्रोल और काफ़ी ट्रॉमाटाइज फील कर रहे थे आपके पर्सन पास्ट में। लेकिन जब ये फेज़ ख़त्म हुआ, उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आया जी, उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आया, यानी कि टावर मोमेंट मैं आपको समझाती हूँ। टावर मोमेंट यानी एक ऐसी इलीगल बिल्डिंग, ये टावर देख रहे हैं ना, व्हाट इज़ टावर, टावर इज़ अ बिल्डिंग, ओके। तो एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी इमारत जो गिरने के लिए ही बनी है, जिसकी बुनियाद बहुत गलत है, जिसको एक ना एक दिन ढह जाना है, एक ऐसी इमारत होती है द टावर। तो ऐसी नेगेटिविटी पर अगर कोई चीज़ बनी हो, ऐसी रॉन्ग एनर्जी में कोई चीज़ बनी हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई और चीज़ें हों जो इतनी नेगेटिविटी से भरी हुई हैं, तो उन्हें तो एक दिन जाना ही है। तो जैसे जो चीज़ें आपके पर्सन को टफ टाइम दे रही थी, वो उनकी लाइफ से जा रही थी जिस टाइम आप उनके लाइफ में एंटर हुए। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि ये आपको जानने में हेल्प करेगा कि क्या ये आपके पर्सन की ही बात हो रही है, क्योंकि ये रीडिंग तो जनरल है, सभी के साथ रेजोनेट तो नहीं होती है ना, इसीलिए मैंने इस बात को कम्प्लीटली क्लैरिफाई किया है। तो मैंने कहा था कि जब आपके पर्सन आपसे मिले तो उनकी लाइफ में एक फेज़ ख़त्म हुआ था, और जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तो उनका आपसे बात करने का मन हुआ था। अब गाइस आगे जो कार्ड्स क्लैरिफाई हुए हैं, इनको मैं साफ साफ बता देती हूँ। जब मैंने आपसे कहा कि जब उन्होंने आपको देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि आप एक मैरिज मटेरियल हैं, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो स्टेबिलिटी भी दिखाता है। आपके पर्सन आपको काफ़ी स्टेबल समझे, उन्हें ऐसा लगा कि आप ऐसे नहीं हैं कि आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ, पर्सन टू पर्सन स्विच नहीं करते हैं आप, इसीलिए आप आपके पर्सन के मन को बहुत भा गए। उन्हें आपको पहली नज़र में देख के ऐसा ही फील हुआ, वो आपको बात नहीं की थी उन्होंने आपसे, लेकिन उनको फील ऐसा हुआ कि इस पर्सन के साथ शादी की जा सकती है, ये बहुत ही डिसेंट, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही नेक दिल लग रहा है, ऐसा उन्होंने आपके लिए सोचा और आपको मैरिज मटेरियल समझा। ओके ये किंग ऑफ पेंटिकल्स जो मैरिज मटेरियल के लिए मैं कह रही हूँ, वो क्लैरिफाई हुआ है फोर ऑफ वैंड से, एंड फोर ऑफ वैंड्स गाइस शादी का भी कार्ड होता है, फोर ऑफ वैंड्स शादी का भी कार्ड है। तो जब मैंने कहा कि मैरिज मटेरियल आपको समझा, तो वही चीज़ क्लैरिफाई हुई फोर ऑफ वैंड से, यानी कि आपसे शादी करने की इच्छा उनके मन में आई, क्योंकि वो एक फेज से निकल चुके थे और लाइफ में इतना कुछ देख चुके थे या देख चुकी थी कि उन्हें ऐसा लगा कि अब बस किसी अच्छे इंसान को पकड़ के जो बहुत प्यारा हो, उससे शादी कर ली जाए और बस लाइफ में स्टेबल हो जाया जाए, बस लाइफ में खुशी देखनी है, अब बहुत दुख देख लिया, अब लाइफ में कुछ खुशियां हो जाएं। तो उनको आपको देखते ही यही विचार आया कि आपसे शादी की जानी चाहिए। तो जब आपके पर्सन ने आपको फर्स्ट टाइम देखा तो उनका इंटेंशन आपके साथ शादी करने का था, आपसे बातें करना चाहते थे, आपको जानना चाहते थे, आपके साथ समय बिताना चाहते थे। और ये कार्ड भी क्लैरिफाई हुआ है सिक्स ऑफ वैंड्स के साथ, जो कहीं ना कहीं शादी दिखाता है, एक जैसे बारात जाती है, इस टाइप की एनर्जी होती है इस कार्ड की। वैसे तो ये विक्ट्री का भी कार्ड है, तो ये जीत दिखाता है, यानी कि जीत किस चीज़ पर, जिस पर्सन को पसंद किया उसको पा लिया, उसके प्यार को पा लिया और उससे शादी कर ली, और इसी में
ये शादी दिखाता है। तो ये दोनों कार्ड मुझे बहुत ही स्ट्रांगली शादी दिखा रहे हैं। तो जब आपके पर्सन ने आपको देखा तो आपसे शादी करने की इच्छा उनके मन में जागी और उन्होंने सोच लिया कि आपको तो पाकर रहना है, आपसे शादी करनी है, आपके ऊपर जीत लेना है, यानी कि आपके ऊपर जीत हासिल करनी है, ऐसा उनको लगा। ओके, लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऑफ डेक जो है गाइस, एट ऑफ पेंटिकल्स है। सी एट ऑफ पेंटिकल्स विच अश्योर्स कि वो इन्होंने इतना कुछ तो सोच लिया आपको देख के, लेकिन वो जानते थे कि रास्ता शादी तक पहुँचने का इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स पर ये जो कारीगर है ये मेहनत करे जा रहा है। देखिए कैसे मेहनत कर रहा है, एक एक पेंटिकल पर मेहनत कर रहा है। तो वो जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, यहाँ काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्टेप स्टेप पर मेहनत करनी पड़ेगी, यानी पेंटिकल पेंटिकल पर मेहनत करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। और शायद ये स्टेप्स चल रहे हैं गाइस आपके रिश्ते के। ओके, ये नहीं कह सकती कि कौन सा स्टेप चल रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपको अगर कोई मैसेज देना चाहूँ यहाँ पर देखकर, आपके पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग हैं, करियर फोकस्ड इंसान होंगे। अगर करियर में आगे नहीं बढ़े होंगे तो बहुत प्रबल इच्छा होगी उनकी कि वो करियर में भी आगे बढ़ें, ऊंचाइयों को छुएं। ऐसा भी लग रहा है गाइस यहाँ पर कि आपके पर्सन काफ़ी यू नो कॉन्फिडेंट और पावरफुल टाइप के होंगे, यानी कि शाय, डरे हुए, वीक ऐसे नहीं होंगे। वो ऐसे होंगे कि यू नो अगर किसी पर चिल्ला दे तो सामने वाला इंसान कांप जाए, यू नो अगर वो मेल हैं तो, फीमेल हैं तो भी उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा। तो ये कुछ मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया। तो आपके पर्सन ने जब आपको पहली बार देखा तो उन्होंने गाइज ये सोचा था। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन सब्सक्राइब कर लीजिए व्यूअर्स, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रीडिंग आपको कैसी लगी, आपसे कितने परसेंट मैच हुई या फिर आपसे एक्यूरेटली पूरी मैच हो गई। ओके, क्योंकि मैं ऐसी रीडिंग्स इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर लेके आती रहती हूँ। इंट्यूटिव मैसेज और चैनल मैसेजेस आपको जैसे ही मुझे मिलते हैं मैं आपको देती रहती हूँ, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर सकें। ओके, तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।